आप सभी का बिग डिबेट में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी जोरों पर है, प्रचार का दौर शुरू हो चुका है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, जो टिकट की आस लगाए बैठे पार्षद पद के जो प्रत्याशी थे उन्हें कई जगहों पर मायूसी हाथ लगी। ऐसे में कई, अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, वार्डो की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर भी जो प्रत्याशी थे पार्टियों के उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कहीं पर किसी प्रत्याशी पद के दावेदार ने आत्मदाह की कोशिश की है और कहीं पर नाराज प्रत्याशियों ने दल बदल भी किया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, आखिर इससे नुकसान किसका हुआ? क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हो रहे हैं, सेमीफाइनल है सत्ता के, भले ये पार्षद पद के दावेदारों की हम बात करें, नाराजगी की बात करें, तो ये कितना भारी पड़ेगा यहाँ पर पार्टियों पर, आज इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। पार्षद टिकट की आस लगाए दावेदारों की बगावत, कोई खड़ा हुआ निर्दलीय तो किसी ने थामा आपका दामन, कहीं दिखे बगावती तेवर तो कहीं निकले आंखों से आंसू। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति, एक प्रत्याशी का नाम लिया वापस, बागी कितना डालेंगे परिणामों पर असर? जी हाँ, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में रणभेरी शुरू होने के बाद टिकट की आस लगाए बैठे पार्षद प्रत्याशियों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसी ने निर्दलीय हुंकार भरी, किसी कान आई तो किसी की आंखों में आंसू। जाहिर है जिन पार्षदों के टिकट कटे उनके तेवर ही बदल गए। कल तक जो टिकट मिलने पर संगठन के फैसले को सर्वमान्य बताते थे, अब उनमें बगावती तेवर दिखने लगे हैं। इस बार के टिकट वितरण में प्रदेश के अधिकांश वार्डों में असंतोष दिखाई दिया। इनमें अधिकतर वे कार्यकर्ता शामिल हैं जो पार्टी के झंडे तले आधी जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन इस बार भी टिकट से उन्हें महरूम रहना पड़ा। ये आलम न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिला। टिकट की आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं, जिन्हें टिकट मिला है वे नए चेहरे हैं, जिनकी चुनाव वाले वार्ड में ज्यादा अच्छी छवि नहीं है, ना तो उनके साथ ज्यादा समर्थन है और ना ही अपने पक्ष में बेहतर परिणाम लाने की काबिलियत। जाहिर है प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र भरने का शनिवार को आखिरी दिन था, लिहाजा कई बगावती चेहरे नजर आए। प्रदेश के अलग अलग निकायों के वार्ड की बात करें तो यहाँ से कई बगावती तेवर दिखाई दिए। हालांकि बीजेपी तो इस बार पार्षद प्रत्याशियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसकी वानगी तो इंदौर में देखने को मिली, जहाँ आपराधिक रिकॉर्ड के चलते टिकट घोषणा के बाद ही एक नाम कैंसिल कर दिया गया, तो दूसरी ओर कमलनाथ ने पहले ही टिकट के इच्छुक दावेदारों से शपथ पत्र भरवा लिए थे ताकि वे बगावती तेवर ना अपनाए। लेकिन टिकट की आस लगाए दावेदार निर्दलीय के रूप में हुंकार भर कर क्या चुनावी परिणामों पर असर डालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। नाराजगी पार्षद पद के जो प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, जो आस लगाए बैठे थे, ये उनकी नाराजगी है, लेकिन ये कहीं पार्टियों पर भारी न पड़ जाए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार टीएन मणि जी जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका स्वागत है। संवर पटेल साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका भी स्वागत करते हैं पटेल साहब। टीएन मणि जी, निश्चित तौर पर नामांकन का आखिरी दिन और बागी तेवर भी देखने को मिले, कहीं पर कोई आत्मदाह की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, लेकिन ये कितना प्रभाव डालेगा? चुनाव निश्चित तौर पर पार्षदों की मैं बात करूं छोटा जरूर है, लेकिन तैयारियां 2023 की हैं। देखिए मैं आपको बता दूं अंकुश की, जिस तरह से नगरीय निकाय का पूरा मामला चला, इसमें ये देखने में आया कि महापौर से लेकर के और पार्षदों तक के टिकट में, ठीक है, किस तरह से दोनों ही बड़े दलों ने अपनी अपनी रीति नीति के बीच में कहां कहां आमूलचूल बदलाव लाए, किस तरह की बताई गई चीजें और किस तरह की सामने आई, ठीक है, ये सब सबने देखा है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, इस मामले में दोनों दलों में अगर हम बात करें तो ये तो तय है। देखिए कि विघ्न संतोषी जो होते हैं उनकी न्यूसेंस वैल्यू जरूर होती है, ठीक है, और उस न्यूसेंस वैल्यू में कई बार ऐसा भी होता है कि सियासी तौर पर वो नुकसान का सौदा भी बन